ये वीडियो उनके लिए है जो या तो डायरेक्टली मैनेज करते हैं या अस्पायर करते हैं कि वो किसी टीम को मैनेज करें, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, ये वीडियो उन सब के लिए है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एस्पेक्ट की जो आपको स्केल करने में, जो आपको अपनी लाइफ बेटर करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, उसे कहते हैं डेलीगेशन। हैव यू एवर फेल्ट कि आप सब कुछ खुद से कर रहे हैं और यू आर गेटिंग स्टक? क्या आपके पास टीम तो है लेकिन आपको उसका बेस्ट यूज करने नहीं आता है? आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं बट आपके खुद के उस लेवल पे इतने सारे काम हैं कि आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं? तो आपको जरूरत है डेलीगेशन सीखने की, हाउ टू डेलीगेट। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे कुछ टिप्स जो इस जर्नी में आपकी मदद करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। वो एक चीज जिसने मेरी मदद की है, चाहे वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जर्नी हो या कोचिंग बिजनेस हो, वो है डेलीगेटिंग राइट टास्क टू राइट मेंबर्स। ऐसा नहीं कि मैंने मिस्टेक्स नहीं किए, आई हैव मेड माय फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स, मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, बट आई हैव लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स, आई हैव इम्प्रोवाइज्ड फ्रॉम दोस मिस्टेक्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर सो दैट यू डोंट हैव टू डू द सेम मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो वीडियो है, जो डेलीगेशन का एस्पेक्ट है, उसको मैंने तीन मेजर कैटेगरी में ब्रेक डाउन किया है। सच पहला है बिफोर डेलीगेशन, दूसरा है ड्यूरिंग डेलीगेशन, एंड तीसरा है पोस्ट और आफ्टर डेलीगेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू डू बिफोर डेलीगेशन। सबसे पहली चीज है कि आपको किसको डेलीगेट करना है। राइट डेलीगेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी ऐसे टीम मेंबर को डेलीगेट कर दिया जिसको उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मीटिंग सेटअप करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने उसको बहुत ज्यादा डेटा इंटेंसिव काम दे दिया कि तुम ये रिपोर्ट बनाओ तुम ये बनाओ, तो मे बी उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट अगर आपने उसको वो काम दिया कि नो नेक्स्ट मीटिंग व्हाई डोंट यू चेयर, व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज, व्हाई डोंट यू क्रिएट द स्लाइड्स एंड ऑल, दैट पर्सन विल बी सुपर मोटिवेटेड। दिस इज अ हैक इफ यू वांट टू कॉल इट, बट identify the right delegate for the right work, that is very very important। second काम जो आपको करने की जरूरत है वो है identify and fill the gaps। for example किसी को interest तो बहुत है but उसको वो skill आती नहीं है, then you have to prepare that person, that you have to do that। for example अगर मैं अपने coaching world की बात करता हूँ, तो I identified a person, I have a team member जिसको बहुत ज्यादा interest है कि ये कैसा पूरा webinar setup होता है, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग add होते हैं, कैसे email setup होता है, but he did not know that, so I added him to the core team and I started grooming him slowly so that now I am free, I am able to delegate। so the दूसरा बहुत important है कि आप identify करो कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन से skills हैं, कौन से gaps हैं, और उसको fill करने का एक plan बनाओ और execute करो। the third thing is which is very important is set the right expectation and communicate clearly। आप उसको बताओ कि मेरे लिए, जैसे very famous in technical terms what is the definition of done, DOD जिसको कहते हैं, कि आपके हिसाब से वो काम कब complete होता है, ये तीन criteria, ये चार चीजें, ये पांच चीजें जो भी हैं, वो set expectation very very clear कि ये जब हो जाएगा then I will understand और I will know that ये हो गया है। और साथ में timeline बताओ कि आपको एक दिन में कराना है, एक हफ्ते में कराना है, एक महीने में कराना है। ये दो चीजें जो expectation और communication, ये बहुत ज्यादा critical है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब पता है but जब आप किसी को delegate करते हैं तो उनको नहीं पता होता। तो you have to set the right expectation and communicate। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है tell all the do's and don'ts, चाहे आप corporate में हो, चाहे आप coaching में हो, चाहे आप किसी भी industry में हो, there are certain do's and there are certain don'ts and very important for you is कि अगर आप किसी को डेलीगेट कर रहे हैं तो आप ये डूज एंड डोंट्स उसको क्लियरली बता दें कि ये करना ही करना है और ये तो बिल्कुल नहीं करना है, और व्हाट डू यू डू अगर ऐसा सिनेरियो हो जाएगा तो मुझसे कनेक्ट करना है, ये क्लैरिफाई करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो कई बार अज्यूम हो सकता है डेलीगेटी द्वारा और वहां पे मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड जो फाइनल पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर डेलीगेशन इज हैव फेथ एंड ट्रस्ट। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो सिर्फ इस वजह से डेलीगेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको दूसरे बंदे पे, उनको दूसरे टीम मेंबर पे ट्रस्ट नहीं होता है, फेथ नहीं होता है। यू हैव टू हैव that fade, you have to know that okay ho sakta hai wo exactly waisa na ho jaisa main karunga but maybe it could be better as well। ab baat karte hain ki kya karna chahiye jab wo delegate kaam kar raha hai, what is to be done during the delegation, so let's talk about that। so aapne identify karke sare gap fill karke ab aapne wo delegation kar diya hai, yani task ko delegate kar diya hai, aur jo bhi delegatee hai wo kaam kar raha hai, wo task execute ho raha hai। what do you do now, you can't just sit back and relax, especially jab aap start kar rahe hain us time pe aapko do teen cheeze karni hoti, zyada to nahi। pehli cheez hai you have to observe, aap dekho ki आपने जो टाइमलाइन दी थी, आपने जो टास्क किए थे वो कैसे हो रहे हैं, इज इट हैपनिंग एग्जैक्टली इन द सेम वे, और या फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे हो रहे हैं या एक्सपेक्टेशन से नीचे जा रहे हैं। आपको ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। नंबर दो इज की आपको कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फास्ट कर रहा है और क्वालिटी इंपैक्ट हो रही है, देन आस्क दैट पर्सन टू स्लो डाउन और वर्क ऑन द क्वालिटी। एंड द अदर वे अराउंड, कोई
पर्सन कोई पर्सन है जिसके अंदर परफेक्शनिज्म आ गया, वो एक जगह पे अटका हुआ है, देन यू हैव टू मोटिवेट, यू हैव टू पुल दैट पर्सन, पुश एट टाइम्स, कोर्स करेक्ट. सो बेसिकली यू हैव टू कोर्स करेक्ट. एंड नंबर 3, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, इन द मीन टाइम देयर आर थिंग्स व्हिच चेंज ओवर टाइम. कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है. अगर वो फॉर एग्जांपल आपको जो काम करना था वो काम ही चेंज हो गया, देन यू हैव टू कम्युनिकेट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चेंजेस जो आ गए हैं एक्सपेक्टेशन में वो कम्युनिकेट करें. तो आपने पहले वाला काम कर लिया, यू डिड बिफोर डेलीगेशन, यू आइडेंटिफाइड द पर्सन, फिल द गैप एंड प्रोवाइडेड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, एंड नाउ द डेलीगेशन वाज गोइंग फाइन, एंड देन यू ऑब्जर्व, ट्रैक, यू आल्सो हेल्प्ड कोर्स करेक्ट, यू केप्ट कम्युनिकेटिंग. अब द टास्क कंप्लीट हो गया है, सो व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू डू पोस्ट डेलीगेशन, सम टिप्स फॉर यू टू हेल्प ऑन दैट. व्हाट डू यू डू पोस्ट डेलीगेशन? नंबर 1 इज टू रिव्यू द एंड रिजल्ट्स. आप देखो कि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी और जो एक्चुअल है क्या मैच कर रहा है, इज इट लोअर देन दैट, इज इट बिगर देन दैट, बेटर देन दैट, यू हैव टू रिव्यू. नंबर 2, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी, कम्युनिकेशन इज एट द हार्ट एंड सोल ऑफ एवरीथिंग. सो आप एनालाइज करो, यू कैन डू स्वॉट एनालिसिस, अगर आपने सुना हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस और एनी टाइप ऑफ एनालिसिस, आप एनालिसिस करो और कम्युनिकेट करो क्लियरली. एक क्विक टिप, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट एज वेल. अगर आप अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं कर सकते, देन यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स बाय योर टीम, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप वो भी कम्युनिकेट करो, और अगर उनसे कोई मिस हुआ है तो वो भी उनको कम्युनिकेट करो, और कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए भी प्रेज करो. एक अलग वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं जहां पे वील टॉक अबाउट कि हाउ डू यू प्रोवाइड फीडबैक इन एन इफेक्टिव मैनर, दैट विल बी कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बट रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द फीडबैक. थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप. अगर किसी ने एक काम अच्छे से कर लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दैट पर्सन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज ही गोइंग टू डू दैट थिंग ओनली, इज ही गोइंग टू डू समथिंग एल्स, और इज ही नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग नाउ? दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, दैट हैज टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली. सो प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप. एंड चौथा और फाइनल चीज जो आपको करना है, दैट इज अगर आपने अपना सारा काम अच्छे से कर दिया डेलीगेशन का, बिफोर डेलीगेशन, ड्यूरिंग डेलीगेशन, बट दैट पर्सन इज स्टिल नॉट एबल टू डू, मे बी दैट इज द नॉट द राइट पर्सन. इवन दो आपको शायद लगा शुरू में ये उसके लिए सही टास्क है, बट नहीं है. इन दैट केस यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट पर्सन, यू हैव टू स्टॉप डेलीगेटिंग दैट पर्सन. आई एम टेलिंग यू ऑन द फेस, एट टाइम्स यू हैव टू टेल दैट, एंड दिट इज ओके. पीपल अप्रिशिएट डायरेक्ट फीडबैक वर्सेस इनडायरेक्ट क्रिविंग. तो आप उसको साफ साफ बता दो, आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन, इट्स नॉट मीटिंग, मे बी इट वॉज नॉट फॉर यू, मे बी यू शुड ट्राई समथिंग एल्स, मे बी आई विल ट्राई समबडी एल्स. तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो. हाउ डू यू बिकम अ बेटर लीडर, हाउ डू यू डेलीगेट बेटर? तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स विच टिप रियली हैड अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू. टाइप बल्ब ऑन इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो इफ यू आर समबडी हु इज ट्राइंग टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, इफ यू थिंक दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर स्टोरी टेलर, ज्वाइन माई वेबिनार. द लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन. ज्वाइन माई वेबिनार टू लर्न हाउ दिस वन क्रिटिकल स्किल, a confident storytelling skill, can really make an impact in your journey. As I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Aritosh Srivastava. I'm gonna see you in the next video.